किसी ने क्या खूब कहा है, गलत किसी को समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी संत कबीर दास जी के प्रेरक प्रसंग पर आधारित है। इसमें हम देखेंगे कि वह विश्वास की परीक्षा कैसे लेते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है विश्वास की परीक्षा। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीर दास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा वीर सिंह भी कबीर दास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीर दास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीर दास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीर दास ने सोचा कि वीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या यह दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वेश्या थी, के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में दो बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से सरा प्रतीत होता था। कबीर दास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलें हाथ में लिए एक मोची और वेश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक भी पहुंची। कुछ समय बाद कबीर दास जी योजना के अनुसार राज दरबार पहुंचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन क्षुब्ध थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतलें नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठे और कबीर दास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछे, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर दास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उसी दिन और उसी समय पर मंदिर में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीर दास में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इस छोटी सी कहानी से सीखने को मिलता है दोस्तों कि जब तक आप खुद सच्चाई को जान नहीं लेते या परख नहीं लेते, तब तक आप अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करना पड़ेगा और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहेगी और आप दिन भर मोटिवेट होकर के अपने सफलता की राह पर चलते रहेंगे। और इसके लिए आपको प्रेस बेल आइकन।